कोडरमा के कर्मा में बन रहे कर्मा मेडिकल कॉलेज का काम एक बार फिर से बंद पड़ गया है। इस बार मामला ठेकेदारों के भुगतान से जुड़ा है। बता दें कि 23 सितंबर 2018 को कॉलेज का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ऑनलाइन किया गया था। कॉलेज का निर्माण 35 महीने के अंदर पूरा कर विभाग को सौंप देना था, लेकिन तय समय सीमा से 13 महीने ज्यादा बीत जाने के बाद भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। मेडिकल कॉलेज को बनाने वाली संवेदक कंपनी सिंप्लेक्स अपने अंदर पेटी ठेकेदारों से काम करवा रही है, लेकिन ठेकेदारों की माने तो उनका भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज के साइट पर सिंप्लेक्स के कार्यालय में तालाबंदी करने की योजना स्थानीय ठेकेदारों ने बनाई थी, लेकिन प्रोजेक्ट इंचार्ज अमित कुमार के समझाने के बाद उन्होंने तालाबंदी के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। प्रोजेक्ट इंचार्ज अमित कुमार का कहना है कि ठेकेदारों के भुगतान से संबंधित जो मामला था उस पर उनसे बातचीत की गई है और 24 घंटे का समय मिला है। ऐसी सूचना हमको भी प्राप्त हुआ था, मगर ऐसा सूचना को प्रयास किया गया, वार्ता करके हमने खत्म किया है और कि इसको 24 घंटा का टाइम दिया और ये मामला सुलझा लिया गया। क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि इन लोगों का भुगतान से संबंधित मामला था और सिंप्लेक्स और इन दोनों के वार्ता में मिस मैंने गैपिंग हुआ है और ये गैप को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी जितने सप्लायर हैं या लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं सर, इन्होंने क्या तो तालाबंदी करने जा रहे हैं सर? तालाबंदी करने जा रहे थे, मगर इनको समझाया गया है और ये समझ करके अभी इन लोगों ने वापस ले लिया अपना। तो सर ये करीब 35 महीने बीत चुके हैं, काम मात्र 17% हुआ है, ये सिंप्लेक्स की लापरवाही बराबर सामने आ रही है, विभाग क्या कर रही है? विभाग दीवार करने के लिए 3 नोटिस कर चुकी है और इसका टाइम एक्सटेंशन रोक दिया गया है। और सबसे बड़ी सजा होती है किसी भी संवेदक का कि अगर उसका पैसा रोक देना है, और पैसा रुक गया अगर 10% तो बहुत बड़ा चीज़ है। वैसे ही हम लोग इनका 10% ये रिकवरी कर रहे हैं बैंक गारंटी का जो इन्होंने लिया है पॉपुलेशन एडवांस, और 10% और हो गया, ये लगभग 20% अगर किसी कार्य का रुक दिया जाएगा तो वो कॉन्ट्रेक्टर के लिए बहुत बड़ा सजा होता है। वहीं ठेकेदार हर्ष कुमार ने बताया कि उन लोगों का 2 करोड़ से ज्यादा का बकाया है, जिसमें 40% का भुगतान हुआ है। उन्हें शक है कि किसी अन्य जगह पैसे का उपयोग किया जा रहा है। क्या कारण है? तालाबंदी के मूड में तो थे, लेकिन एग्जीक्यूटिव साहब की वजह से कि उन्होंने हमें समझाया कि एक बार पहले हम बातचीत कर लें, उसके बाद हम 24 घंटे का मोहलत हम लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, उनको 24 घंटे के बाद हम लोग तालाबंदी। पूरे जितने यहाँ सप्लायर है लेबर कॉन्ट्रैक्ट उनका कितने का कंपनी के ऊपर बकाया है? करीब 2 करोड़। 2 करोड़ का भुगतान कितना किया है आपको? 40% क्या लगता है कि बाकी 60% इन्होंने क्यों नहीं दिया? क्या कुछ घपला या क्या इनकी मंशा है? या तो ये अपने दूसरे सप्लायर्स को पैसा दे रहे हैं, दूसरे जिलों में काम चल रहा है वहाँ पैसा भेज रहे हैं, उसकी वजह से हमें। कितने दिनों से पैसा लंबित है आप लोगों का? तो 2 महीने से। तो अभी इनको जो काम उससे पहले का किया गया था, लेकिन न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और